आचार संहिता के दौरान ग्वालियर एसएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एसएसटी और थाना पुलिस ने 14 लाख की नकदी पकड़ी है। पकड़े गए युवक से नकदी की बाजेयाप्त सामने न आने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दी गई है। दरअसल ग्वालियर के बेलगढ़ा थाने पर आचार संहिता के तहत चेकिंग पॉइंट लगाया गया है, जहाँ चेकिंग के दौरान मौके पर मौजूद स्टेटिक सर्विलांस टीम यानी एसएसटी ने एक कार को रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के अंदर भारी कैश मिला। चेकिंग दल की गिनती में कुल 14 लाख रुपये बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम निर्मल सोनी बताया, जो कि शिवपुरी जिले के मगरौनी का रहने वाला है। जब निर्मल सोनी से नकदी के बारे में जानकारी मांगी तो वह एसएसटी को गोलमोल जवाब देने लगा, जिस पर एसएसटी दल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी। फिलहाल प्रशासन की एसएसटी टीम और बेलगढ़ा थाना पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। बेलगढ़ा है ग्वालियर अंतर्गत, तो उसमें एसएसटी की टीम के द्वारा जो अभी लगातार सघन चेकिंग की जा रही है वाहनों की, और अवैध रूप से जो धन का आवागमन होता है उसके संबंध में, तो उसी के अंतर्गत हमारी थाना बेलगढ़ा अंतर्गत एसएसटी की टीम ने एक 14 लाख रुपए कैश एक व्यापारी से पकड़े। और अभी जैसे कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए, अधिक 10 लाख से अधिक मात्रा होने पर राशि की हम इनकम टैक्स के माध्यम से उसका डिस्पोजल करते हैं। तो वर्तमान में भी इनकम टैक्स की टीम को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं मुझसे कि इतना कैश उसके द्वारा किस माध्यम से किस उद्देश्य के साथ कैरी किया जा रहा था, और इनकम टैक्स की टीम के को भी हमने मौके पर बुलाकर कार्रवाई की।